वालेकुम। ग्रेड एट हम लोग नर्वस सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें हम लोग ने ये पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम की टू क्लासेस होती हैं, एक हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोग ने कवर कर लिया। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सिर्फ नर्व्स होती हैं, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग ने देखा था स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन होता है, लेकिन ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सिर्फ ये नर्व्स हैं। ये जो आपको ग्रीन पोर्शन नज़र आ रहा है, ग्रीन लाइंस हैं, यहाँ पर सिर्फ नर्व्स होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। इसका फंक्शन क्या होता है? तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है? ये हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पूरी बॉडी से कनेक्ट करता है। किसके ज़रिए कनेक्ट करता है? ये जो नर्व्स हैं इनके ज़रिए कनेक्ट करता है। अच्छा, हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो दो मेन कॉम्पोनेंट्स हैं, एक हमारे पास सेंसरी पाथवे, इसको हम लोग एफेरेंट बोलते हैं, और एक मोटर पाथवे, इसको इफेरेंट बोलते हैं। इन जो सेंसरी पाथवे है एफेरेंट, ये हमारे पास सेंसरी पाथवे इनपुट प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। जो हमारी बॉडी का इनपुट होता है, उसके जो मैसेजेस वगैरह होते हैं, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाता है। मोटर पाथवे ये सिग्नल्स को कैरी करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी में। ये बॉडी से सेंट्रल जो सेंसरी पाथवे है ये बॉडी से जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और जो मोटर पाथवे है ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेके आता है बॉडी में। ये बॉडी से मैसेजेस लेके जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेजेस लेके आता है बॉडी में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया है टू क्लासेस में, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक है हमारे पास ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जितने भी हमारे पास वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, इन सबको ये सोमैटिक नर्व्स कंट्रोल करती हैं। जो ऑटोमेटिक फंक्शन होते हैं, इन सबको इनवॉलंटरी नर्व्स कंट्रोल करती हैं। जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारे पास इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। अच्छा, वॉलंट्री और इनवॉलंट्री एक्शंस कौन कौन से होते हैं? वॉलंट्री वो होते हैं जो हम लोग अपनी मर्ज़ी से परफॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास एग्जांपल दी है, वॉकिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, राइटिंग, ये वो सारे वो फंक्शंस हैं जो अपनी मर्ज़ी से परफॉर्म करते हैं, ये वॉलंट्री एक्शंस होते हैं। और इनवॉलंट्री एक्शंस वो होते हैं जो हम लोग अपनी मर्ज़ी से परफॉर्म नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक एक्शंस होते हैं। इसकी एग्जांपल जो इनवॉलंटरी एक्शंस की एग्जांपल है, वो ब्रीथिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन वगैरह, सारे जितने भी हमारे पास बॉडी इंटरनल प्रोसेस होता है, ये सब हमारे पास इनवॉलंटरी एक्शंस में आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये लास्ट टॉपिक है न्यूरॉन, जो पेज नंबर 100 पे है। इस न्यूरॉन हमारे पास स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। ये हमारे पास कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। ये किस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं? ये इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं, सारी बॉडी से इंफॉर्मेशन रिसीव की, मैसेजेस कलेक्ट किए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेकर आते हैं उसको, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पास बॉडी से मैसेजेस कलेक्ट करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेकर आते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मैसेज होता है वो बॉडी में लेकर जाते हैं। ठीक, न्यूरॉन हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसको बॉडी से लेकर आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो मैसेज होता है वो बॉडी में लेके जाते हैं। अगर हम लोग न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। हमारे पास न्यूरॉन की डायग्राम है, यहाँ पास डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। जो डेंड्राइट्स होते हैं, यहाँ पास डेंड्राइट्स जो हैं ये बॉडी के सेल, किसी भी सेल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर इसको आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं सेल बॉडी में लेकर आ जाते हैं इसको। और सेल बॉडी में हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यहाँ से फिर ये कमांड देता है एक्सॉन को मैसेजेस। ये एक्सॉन का फंक्शन ये होता है कि मैसेज लेकर जाता है बॉडी में, ठीक, या बॉडी से मैसेज लेकर आता है एक्सॉन में, सेल बॉडी में। एक दफ़ा फिर से बताती हूँ स्ट्रक्चर हमारे पास न्यूरॉन का। इसमें तीन मेन पार्ट्स हैं, एक डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन। जो डेंड्राइट्स हैं हमारे पास, ये इंफॉर्मेशन जो हमारे पास सेल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ये
सेल बॉडी में लेकर ट्रांसफ़र करते हैं। सेल बॉडी में हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, जो इस इंफॉर्मेशन को लेते हैं और फिर बॉडी को कमांड करते हैं कि अब आगे क्या करना है। तो ये हमारे पास एक्सॉन के ज़रिए बॉडी में जाते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास डेंड्राइट्स बॉडीज से हमारे पास डेंड्राइट्स के थ्रू यहाँ न्यूरॉन में आई, सेल बॉडी में आई, सेल बॉडी से फिर ये एक्सॉन में आके आगे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगी। सर हमारे पास तीन टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, एक सेंसरी, एक मोटर और एक इंटर्न न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन होता है, इसके स्ट्रक्चर होता है इस तरह से कि इनमें लॉन्ग डेंड्राइट्स होते हैं और इनके जो एक्सॉन्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। ये मैसेज बॉडी से मैसेज कलेक्ट करके लेके आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इसके बाद हमारे पास मोटर न्यूरॉन होते हैं। मोटर न्यूरॉन में हमारे पास एक्सॉन्स लॉन्ग होते हैं और जो डेंड्राइट्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। ये हमारे पास डेंड्राइट्स हैं, ये रहे, और ये हमारे पास एक्सॉन्स हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन में हमारे पास जो एक्सॉन्स हैं वो शॉर्ट होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन में ये एक्सॉन्स शॉर्ट होते हैं और डेंड्राइट्स जो हैं वो लार्ज होते हैं, लॉन्ग होते हैं। और हमारे पास मोटर न्यूरॉन में ये डेंड्राइट्स जो हैं वो हमारे पास शॉर्ट होते हैं और जो ये एक्सॉन्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन, सेंट्रल न्यूरॉन का क्या फंक्शन होता है कि ये मैसेज कैरी करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी में। सही, यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन बॉडी से मैसेज कलेक्ट करके लेके आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और यहाँ पे जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेके जाएंगे ये न्यूरॉन्स बॉडी में। अच्छा, ये हमारे पास जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं ये हमारे पास सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही होते हैं और ये न्यूरॉन को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। इसका यही फंक्शन है कि ये न्यूरॉन्स को कनेक्ट करते हैं, और ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन। तो यहाँ पे एक चेन दी हुई है कि किस तरीके से मैसेजेस बॉडी से हमारे पास ब्रेन में जाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी स्टिमुलाई आएगा, बाहर से इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। या तो बॉडी के अंदर ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी या एक्सटर्नली भी कोई स्टिमुलाई आ सकता है। वो सेंसरी न्यूरॉन में आएगा, सेंसरी न्यूरॉन के पास मैसेज आएगा, सेंसरी न्यूरॉन आपस इंटर न्यूरॉन्स के पास जाएंगे। इंटर न्यूरॉन क्योंकि न्यूरॉन आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, तो इंटर न्यूरॉन्स के पास ये मैसेजेस लेके इंटर न्यूरॉन के पास आएंगे। इंटर न्यूरॉन से आगे कन्वर्ट कर देंगे इन मैसेजेस को मोटर न्यूरॉन में। फिर मोटर न्यूरॉन का फंक्शन यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेके आएगा बॉडी में, यही यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म होगा। यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।